आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पुण्यतिथि, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, धार्मिक आयोजन, क्रिकेट मैच में भारत की जीत या फिर चुनाव में नेताजी की जीत पर फटाके फोड़कर आनंद उठाने का मौका हो या फिर निषेध कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च का आयोजन करना हो, सभी कार्यक्रमों के लिए शहर के हृदय स्थली में स्थित गांधी प्रतिमा परिसर पूर्व निश्चित स्थान है। वर्ष 1952 में स्थापित गांधी प्रतिमा बीते 69 सालों में अनगिनत अच्छे बुरे अवसरों की मुखदर्शक रही है। मौसम की मार झेलते झेलते प्रतिमा जर्जर हो चुकी है, हाथ व पैर में दरारें उभर कर आई है। इस गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण महज रस्म अदायगी बनकर रह गई है। फोटो सेशन पूरा होते ही नेता रुखसत हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि किसी की नज़र बापू की प्रतिमा की जर्जर हालत पर नहीं जाती। नगर परिषद की ओर से भी इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 10 नवंबर 1933 को भंडारा आए थे। भंडारा की जमीन पर बापू का पदस्पर्श सौभाग्य का विषय है, किंतु जिस शहर में स्वयं बापू का आगमन हुआ हो, उस शहर में उनके पुतले पर दर्द की दरारें पड़ी हो, ये विड़बना है। शहर में जब से महात्मा गांधी का पुतला स्थापित किया गया है, तब से उस स्थान का नाम गांधी चौक के रूप में ख्यात हो गया है। शहर के केंद्र में स्थित चौक शहर की आत्मा है, नहीं ये शहर की ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। पिछले 69 वर्षों में पुतले ने अनेक अच्छे बुरे अनुभवों का भी साक्षी रहा है। बताया जाता है कि पूर्व में ये स्थल फव्वारा चौक के नाम से प्रसिद्ध था। चौक में पानी का फव्वारा था। 1952 में गांधी जयंती पर गांधी प्रतिमा स्थापित की गई। तब प्रसिद्ध शिल्पकार क्षीरसागर ने गांधी प्रतिमा को साकार किया था और आज यह प्रतिमा जर्जर स्थिति में तब्दील हो चुकी है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।